आप सब लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। सो हे गाइस, आज मैं आया हूँ माता प्रिया रानी के धाम पर जो है तो दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन करता हूँ माँ प्रिया रानी का। तो ठीक है, आइए बनिए रही के साथ बने रहिए। कैमरा मैन आ जाओ, माँ प्रिया रानी का दर्शन भाई कहाँ हो गया यार, आओ ना। हेलो फ्रेंड्स, बने रहिएगा में आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। ये राजा बने रहिए दोस्तों, वीडियो से दिखाऊंगा मैं कल्याण रानी का काम कैसा है, कहाँ है, क्या रूप है, जल्दी आ लीजिए यार। थोड़ा कर लेते हैं आप लोगों भी कराता हूँ प्रिया रानी का दर्शन। मेरे ये वीडियो के साथ आ गया भाई। जय माता दी। इसको फोकस करना है, माँ प्रिया रानी की जय। आ जा भाई, जय माता दी। देख रहे हैं माता जी, माँ प्रिया रानी की जय, माँ प्रिया रानी की जय, जय माता जी। तो दोस्तों मैं जय माता दी, माँ प्रिया रानी की जय। दोस्तों हम लोग माता रानी का दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें एक गुफा भी है। कहा जाता है कि इसमें गुफा भी है, तो आइए उसका भी आप लोगों को हम उसको भी आप लोगों को हम दिखाते हैं। भाई इसमें से जाना है तो लाइए भाई, पकड़ते हैं मोबाइल। तो दोस्तों मैं मोबाइल पकड़ लिया हूँ, मेरा दोस्त को नहीं आ रहा था पकड़ने के लिए, शूटिंग करने उसको नहीं आता है, तो फिलहाल मैं अभी पकड़ लिया हूँ मोबाइल। तो आइए वो रास्ता आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ पर है। तो इसी में फाइनली दोस्तों गुफा के अंदर इसी में जाया जाता है। तो चलिए आप लोगों को भी हम लोग दिखाते हैं कि कैसा है। तो है दोस्तों हम लोग अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पूरा अंधेला अंधेला है, डर भी लगता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पानी चल रहा है, शायद इस तरफ बताया जाता है उसका रास्ता जाने के लिए। तो हम लोग भी गए हैं तो शायद इसी तरफ है उसका रास्ता, तो अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग इतना ही आप लोग को दिखा पाएंगे, अभी अंधेरा है और हम लोग दो ही आदमी हैं, डर लगता है, हम लोग नहीं जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को अब दिखाते हैं माता प्रिया रानी का वास जो है तो इसी के अंदर है कहा जाता है, बताया जाता है। और माँ प्रिया रानी का एक मूर्ति भी रखा हुआ है अंदर, तो वहाँ भी मतलब वहीं पर माँ प्रिया रानी का जो है तो वास है। तो दोस्तों हम लोग वहाँ से अभी नहीं जाएंगे, दो ही आदमी हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं अब आगे की ओर अंत तक। तो हे गाइस, आप लोगों को दिखा चुका हूँ माता प्रिया रानी का धाम। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ माता प्रिया रानी का पूरा धाम व्यू कैसा है, यहाँ का नज़ारा क्या है, कैसा है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो वहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को पीला पीला बोट, आइए आप लोग करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए माँ प्रिया रानी की जय लिखाया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं एक, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे माँ प्रिया रानी का वास है। और आप देख सकते हैं पानी भी चल रहा है, अच्छी जगह है। और देख सकते हैं पूरे पहाड़ के बीचों बीच में जो है तो माता प्रिया रानी का धाम जो है तो स्थित है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे झरने चल रहे हैं, पानी है। और फाइनल दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि आप जो भी आपका मन्नत हो अगर श्रद्धा पूर्वक आप मांगिएगा यहाँ आ करके जो है तो बताया जाता है कि मनोकामना ज़रूर माता प्रिया रानी ज़रूर पूरी करती हैं। तो है दोस्तों चलिए और आगे आप लोगों को दिखाते हैं, आगे आगे तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। फाइनली दोस्तों हम लोग अभी
दो ही आदमी है, नहीं तो आप लोगों को दिखा देता कि अंदर कैसा है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सब, यहाँ का नज़ारा एकदम भरा भरा है। और देख सकते हैं पूरा इधर का भी दिखा दूं मैं आप लोगों को, तो देख सकते हैं दोस्तों पहाड़ों के बीचों बीच में जो है तो बना हुआ है। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं, तो चलो भाई अब चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ले भाई पकड़, मैं जूता पकड़ लेता हूँ, मैं आ गया। तो फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ माता खुड़िया रानी का धाम। तो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने बाइक के पास, बाइक के पास पहुँचने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। चलो यार। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सब कुछ कर लिए, जो भी हमको करना था पूजा पाठ वगैरह दर्शन वर्शन, तो हम लोग कर लिए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि 6 बज चुका है, अभी हम लोग को रात हो जाएगा। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नारियल वारियल का दुकान जो है तो लगाया हुआ है। और सो हे गाइस आप लोग को देख सकते हैं खिलौना वगैरह लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो नारियल अच्छे से सजा दिया गया है और यहाँ फोटो सजाया गया है। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए तो हम इतना ही आप लोग को दिखा पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है और हमको जाना है बहुत लंबा सफ़र। और तो हम लोग दो ही आदमी हैं और हम लोग बाइक में हैं, तो हम लोग को और ज़्यादा हम नहीं रुक सकते हैं। तो सो हे गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे, आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग देख सकते हो। सो हे गाइस बस जो कुछ भी था सो इतना ही था। धाम तो आप लोग पहले देख चुके हैं, ये मार्केट का इलाका था, तो आप लोग को सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं नारियल वगैरह का दुकान जो है तो यहाँ है, और ये बनाया गया है हाथी। फाइनली दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बकरियाँ कैसे बैठे हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों ये रहा हमारा बाइक, और चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही कर सकते हैं। खाए दोस्तों, तो मेरा दोस्त देख सकते हैं मेरा चश्मा तोड़ दिया। अब हम लोग कैसे करेंगे, बाइक कैसे चला पाएंगे, बिना चश्मा के मैं बाइक चला नहीं पाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके,